हम लगातार आपको विधानसभा सीटों के चुनावी समीकरण के बारे में बता रहे हैं, वहां के प्रत्याशियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है। मैं सिद्धिका मनोहर सोनिया आपके साथ। पिछली कड़ी में हमने बात की थी सुजानगढ़ विधानसभा सीट की, आज हम बात करेंगे सीकराय विधानसभा सीट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के जातिगत समीकरण के बारे में। 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में सीट पर लगभग 2,62,246 मतदाता है, जो अपने मत का प्रयोग करते हुए प्रत्याशी की हार जीत का फैसला तय करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने सीट पर अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। बीजेपी ने विक्रम बंशीवाल को मैदान में उतारा है, तो वही कांग्रेस ने फिर से अपना भरोसा ममता भूपेश पर जताया है, जो वर्तमान में इस सीट से विधायक है। वैसे तो सीकराय विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन यहाँ पर मीणा वोटर्स, गुजर वोटर्स, सैनी वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है, जो किसी भी प्रत्याशी की हार जीत का समीकरण बना भी सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। वही अगर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो सीकराय विधानसभा सीट पर लगभग 2,37,426 मतदाता थे, जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार ममता भूपेश को 96,454 वोट देकर जिताया था, जबकि भाजपा उम्मीदवार विक्रम बंशीवाल को 62,671 मतदाताओं का भरोसा ही हासिल हो पाया था और उन्हें 33,783 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। अगर ममता भूपेश के राजनीतिक जीवन की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। 2003 में उन्होंने पहली बार सीकराय विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गई थी। उसके बाद उन्होंने 2008 में फिर से विधायक का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन 2013 में उन्हें फिर से हार का सामना करना पड़ा। फिर 2013 के बाद 2018 में उन्होंने फिर से जीत हासिल की और उसी जीत पर कांग्रेस ने भरोसा करते हुए उन्हें फिर से एक बार मैदान में उतारा है। द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।